यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से करीब 60 कंपनी हमारी पारामिलिट्री और रैपिड एक्शन फोर्स PSC ये डिप्लॉयड है। करीब 1200 कांस्टेबल, 250 सब इंस्पेक्टर्स, 20 डिप्टी SPs, 2 SP और बैरिकेडिंग्स भी आप देख रहे हैं, काफ़ी मजबूत बैरिकेडिंग डबल लेयर्स की गई हैं। होल्डिंग एरियाज भी हम लोगों ने बनाया है ताकि अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो लोगों को, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम कोई मजबूत किया है, CCTV कैमरे करीब 35 लगे हुए हैं, 10 ड्रोन भी ऊपर नज़र रख रहे हैं। पार्किंग एरियाज़ भी हम लोगों ने डेवलप किया है ताकि बाहर से श्रद्धालु आएँ तो उनको कोई बसेज से उनको परेशानी नहीं हो आने या फिर लौटने में। और सोशल मीडिया पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसके लिए DGP सर ने लखनऊ में ही एक कंट्रोल रूम सेटअप किया हुआ है जिस पर सोशल वॉलंटियर्स हमारे लगे हुए हैं, और किसी तरह की कोई पोस्ट अगर गलत आती है तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन और उस पर हम लोग काउंटर जवाब देते हैं ताकि कोई गलत चीज़ वायरल नहीं हो। और आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं, नागेश्वरनाथ जी पर जल चढ़ा रहे हैं, फिर हनुमानगढ़ी जी और श्री रामलला जी का दर्शन करने जा रहे हैं। महिलाएं, उनके बच्चे, उनके परिवार के साथ लोग हैं, तो किसी तरह कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि करीब 70% लोग जो श्री रामलला जी का दर्शन करते हैं बाहर के ही लोग आते हैं, तो किसी तरह की कोई रोक नहीं है, ना परेशानी है, सारे मार्केट्स खुले हुए हैं, सभी चीज़ें सामान्य हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि आम दिनों में जिस तरह अयोध्या चल फिर करती थी, आज भी वो सिस्टम लगातार जारी है? वैसे ही व्यवस्थाएं सब उसी तरह से चल रही हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं है, और लोग आएँ और अपना दर्शन करें, श्रद्धालुओं के लिए कोई रोक टोक नहीं है।